हेलो एवरीवन, दुनिया का सबसे एडवांस और ताकतवर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर के कैपेबिलिटी आपको हैरान कर देगी। इस मिसाइल का प्रोपल्शन सिस्टम और इसका कम्युनिकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन है, जो मीटियोर मिसाइल को फायर होने से लेके इसे टारगेट को हिट करने तक सपोर्ट करती है। इस वीडियो में आपको काफ़ी यूनिक चीज़ जानने को मिलेगा, कैसे मीटियोर मिसाइल अपने टारगेट को ढूंढ के मार गिराती है। इसके सारे फीचर्स और टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझेंगे। आप बस वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मीटियोर मिसाइल के एडवांस टेक्नोलॉजी को समझने से पहले इसके कुछ बेसिक्स फीचर्स को समझ लेते हैं। चलिए आपको इतिहास में लेके चलते हैं। यूके के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मीटियोर मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट सेटअप किया था, जिसका नाम था बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट टीम। बाद में इस प्रोजेक्ट में जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस और स्वीडन ने भी ज्वाइन किया। 2002 से लेके 2012 तक इसका डेवलपमेंट और फिर ट्रायल फेज चला। सबसे पहले स्वीडिश गवर्नमेंट ने सितंबर 2020 को साब को 47.76 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया मीटियोर मिसाइल को ग्रिपन एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए। अभी के समय मीटियोर मिसाइल को यूरोफाइटर टाइफून, राफेल और साब का ग्रिपन में इंटीग्रेट किया गया है और अमेरिका की F-35 लाइटनिंग 2 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। दो ऐसा सिस्टम जो इसे सबसे अलग बनाती है, पहला है इसका प्रोपल्शन सिस्टम। मीटियोर मिसाइल में ट्रेडिशनल रॉकेट मोटर के जगह GMBH का सॉलिड फ्यूल वेरिएबल फ्लो डक्टेड रॉकेट सिस्टम लगा हुआ है, जिसे रैमजेट कहा जाता है। रैमजेट प्रोपल्शन की वजह से मीटियोर मिसाइल में यह कैपेबिलिटी है कि वो इंजन को थ्रॉटल करके इंजन पावर को कंट्रोल कर सकता है अपने फ्लाइट के दौरान, फायरिंग से लेके टारगेट हिट करने तक। स्टैंडर्ड एयर टू एयर BBR मिसाइल में यह कैपेबिलिटी नहीं होता है। रैमजेट के वजह से मीटियोर मिसाइल को बहुत ज़्यादा थ्रस्ट मिलता है, जो इसे किसी टारगेट को आसानी से इंटरसेप्ट करने में हेल्प करती है। उसके साथ इस मिसाइल को लार्जेस्ट नो एस्केप जोन प्रोवाइड करती है। मिसाइल का रेंज 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और इसका नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर के करीब है। नो एस्केप जोन का मतलब है, अगर इस जोन में कोई एयरक्राफ्ट आ गया तो समझ लो उसे मीटियोर से कोई नहीं बचा सकता, चाहे वो कितना भी भाग ले। जब मिसाइल फायर होता है तो मीटियोर अपने इंजन को थ्रोटल बैक कर देता है फ्लाइट के दौरान, जिससे फ्यूल का सेविंग हो जाता है। और जब टारगेट क्लोज होता है तो फिर ये इंजन को थ्रॉटल कर देता है, जिससे बचा हुआ फ्यूल सप्लाई होता है और मिसाइल को जबरदस्त एनर्जी मिलता है, जो मिसाइल को टर्मिनल फेज में एंटर कराती है, जहां मिसाइल टारगेट को तेजी से इंटरसेप्ट करके हीट करके नष्ट कर देती है। इसी वजह से मीटियोर मिसाइल लंबे दूरी तक की टारगेट को भी हिट कर सकती है, वो भी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ। दूसरा पावरफुल चीज है इसका कम्युनिकेशन सिस्टम। एक बात आप पहले जान लो, अगर मिसाइल को टारगेट को हिट करना है, वो भी प्रिसीजन के साथ, तो उसका ट्रेजेक्टरी को बार बार करेक्ट करना होगा, क्योंकि एयर टू एयर मिसाइल को मूविंग टारगेट को हिट करना होता है। इसके लिए मिसाइल के पास रियल टाइम डेटा अवेलेबल होना चाहिए। मिसाइल को ये डेटा ना सिर्फ फाइटर प्लेन के द्वारा जहाँ से उसे फायर किया गया है, बल्कि उसके साथ थर्ड पार्टी सोर्स से भी मिसाइल को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलता है। और वो थर्ड पार्टी सोर्स हो सकता है जैसा कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, या फिर लैंड और सी बेस्ड रडार से भी इंफॉर्मेशन मिलता है। एक बार जैसे मिसाइल फायर हुआ, फिर सारा खेल चालू होता है ये सारे कम्युनिकेशन सिस्टम का। ये सब मिलके टारगेट को ट्रैक करता है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिसाइल को प्रोवाइड करता है, और मिसाइल करता है फिर इसका काम तमाम। जानते हैं अब मीटियोर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसका वेट है 190 kg, लेंथ है 3.7 मीटर और डायामीटर 178 मीटर। इसमें एक्टिव RF सीकर का यूज किया गया है। देखो, किसी मूविंग टारगेट को इंटरसेप्ट करना हो तो मिसाइल सीकर का यूज होता है। वहीं अगर किसी भी तरह का एनवायरमेंट हो, दिन हो या रात, या फिर लंबे दूरी के टारगेट को एक्यूरेटली इंटरसेप्ट करना हो, तो एक्टिव RF सीकर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मीटियोर में नेविगेशन और गाइडेंस के लिए दो सिस्टम इंस्टॉल है। देखो, मिसाइल गाइडेंस को जनरली तीन फेज में डिवाइड किया गया है। पहला, बूस्ट फेज। ये वो समय होता है जब मिसाइल लॉन्चर से निकलता है से लेके जब तक बूस्टर फ्यूल को बर्न करता है तब तक का समय। इस फेज का इंपॉर्टेंस यह है कि इसमें मिसाइल को स्पेस में एक पोजीशन पे प्लेस किया जाता है।
जहां से मिसाइल या तो टारगेट को देख सकता है या फिर वहां से एक्सटर्नल गाइडेंस सिग्नल रिसीव कर सकता है। दूसरा फेज है मिड कोर्स फेज। यह सबसे लंबा टाइम तक गाइडेंस करने का फेज है, जब तक मिसाइल टारगेट के नजदीक ना पहुंच जाए। इसके लिए मीटियोर में इनर्शियल मिड कोर्स विथ डेटा लिंक गाइडेंस सिस्टम का यूज होता है। लास्ट फेज है टर्मिनल फेज। सबसे इंपॉर्टेंट फेज है ये, जिसमें मिसाइल को फास्ट और एक्यूरेट गाइडेंस मिलना जरूरी है, तभी वो टारगेट को हिट कर पाएगा। इसके लिए मीटियोर में यूज होता है ऑटोनोमस टर्मिनल गाइडेंस का। इसमें जो वॉरहेड यूज होता है वो है ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन टाइप का। मीटियोर मिसाइल में दो तरह का फ्यूज का यूज होता है। पहले ये जान लो फ्यूज का काम क्या है। फ्यूज एक्चुअली बॉम्ब को एक्सप्लोड करने में हेल्प करता है। इस मिसाइल में प्रॉक्सिमिटी और इम्पैक्ट फ्यूज का यूज होता है। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज मिसाइल को एक्सप्लोड कर देगा जब मिसाइल एकदम टारगेट के करीब होगा, और इम्पैक्ट फ्यूज तब एक्सप्लोड करेगा जब मिसाइल सरफेस पे इम्पैक्ट करे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मैं एक एक सिस्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो लाते रहूंगा अलग अलग कंपोनेंट और मीटियोर के टेक्नोलॉजी पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।